हेलो दोस्तों, फाइनली किया सेल्टॉस फेसलिफ्ट साउथ कोरिया में लॉन्च हो चुकी है और प्राइसिंग 12.19 लाख से स्टार्ट होती है और इंडिया में भी बिल्कुल जल्द लॉन्च होने वाली है, क्योंकि ग्रैंड विटारा के लॉन्च के बाद काफ़ी बड़ा धक्का लगने जा रहा है किया सेल्टॉस को। तो उस पर बेस्ड आपके अपने चैनल ऑटोमोटिव इंडिया द्वारा एक रेंडर बनाया गया जो कि इसके डिज़ाइन को पिछले वाले सेल्टॉस के अलॉन्गसाइड दिखलाता है। यहाँ पे बैक लुक की बात करें तो यहाँ पे एक्सटेंडेड एलईडी टेल लाइट का सेटअप देखने को मिल जाता है जो कि थोड़ा थोड़ा आपको किया कैडेंस और ह्यूंडई वेन्यू से इंस्पायर्ड देखने को मिल जा रहा है। और नीचे में आपको नया बम्पर देखने को मिला है, रिफ्लेक्टर, और नीचे में आपको रिवर्स लाइट देखने को मिल रही है, और पीछे की तरफ स्किड प्लेट आपको सिल्वर फिनिश के साथ देखने को मिल रही है। बाकी रूफ रेल, शार्क फिन, एंटीना वगैरह सेम, और आपका डायमेंशन भी सेम देखने को मिल रहा है। फ्रंट लुक की बात करें तो फ्रंट लुक में जो एलईडी डीआरएल है वो पहले अभव थी जो कि अब मिडिल पोर्शन में आ चुकी है। और नीचे की तरफ अगर बात करें तो फॉग लैम्प का डिज़ाइन थोड़ा चेंज किया गया है, यहाँ पर ब्लैक पोर्शन हटाया गया है, और यहाँ पर अगर बात करें एलईडी हेडलाइट के तो आपको प्रोजेक्टर के साथ देखने को मिलती है, और इंडिकेटर का डिज़ाइन हल्का सा ट्विन किया गया है। अगर साइड लुक की बात करें तो यहाँ पे नए डिज़ाइन के आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिलने वाले हैं जो कि 17 इंच के होने वाले हैं। बाकी आपको जो डिज़ाइन है साइड का बिल्कुल सेम टू सेम देखने को लग रहा है। अगर बात करें इंटीरियर के तो इंटीरियर में आपको ऑरेंज थीम का इस्तेमाल किया गया है, साथ में यहाँ पे सभी आपके जो बटन्स है इल्यूमिनेटेड देखने को मिलते हैं, क्रोम डोर हैंडल्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में बात करें तो यहाँ पे जो आपको सीट्स वगैरह है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और कंट्रोल करने के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। स्पेस आपको सेम देखने को मिलता है, एम्बियंट लाइटिंग आपको कलरफुल देखने को मिलती है, 64+ कलर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो आपको इंडिया में तो फ्लैट बॉटम देखने को मिलेगा जिसमें आपको एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल देखने को मिलने वाला है और ADAS के फीचर देखने को मिलेगा। यहाँ पे कनेक्टेड डिस्प्ले होने वाला है जो कि इंफोटेनमेंट सिस्टम और MID डिस्प्ले को कनेक्ट करता है जो कि 10 इंच का है। साथ में आपको ऑटो AC वगैरह का डिज़ाइन चेंज किया गया है, AC वेंट्स का भी डिज़ाइन आपको नया देखने को मिलता है, बाकी साइड पोर्शन सेम देखने को मिलता है, DRVM वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार पे वायरलेस कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। अगर बात करें यहाँ पे MID डिस्प्ले के तो MID डिस्प्ले में कनेक्टेड फीचर्स आ रहे हैं, 360 डिग्री कैमरा है, तो बाकी जो रेडार बेस्ड होने वाला है और आपको सभी कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे जैसे कि XUV में देखने को मिलेगा, लेकिन ये काफ़ी प्राइसियर वेरियंट होने वाला है। अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक देखने को मिलेगा और 6-स्पीड ऑटोमेटिक आपको ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको मैनुअल, डीजल वगैरह सभी इंजन आपको जो अभी हूबहू देखने को मिलते हैं सेम देखने को मिलेंगे। पैनोरामिक सनरूफ को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है, पर उम्मीद जताई जा रही है कि इंडिया में जरूर से आएगी, साउथ कोरिया में देखने को नहीं मिलता है। साथ में बात करें तो आपको पीछे की तरफ बूट स्पेस सेम देखने को मिलता है और सीट्स आपको फोल्डेबल 60:40 देखने को मिल जाते हैं। इंजन में CNG को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है, देखना होगा कि इंजन में CNG आती है कि नहीं। बाकी 1.5 लीटर पेट्रोल डीजल आपको सेम देखने को मिलने वाला है और टर्बो इंजन। अगर बात करें लॉन्च डेट की तो एक्सपेक्टेड है कि दिवाली से पहले गाड़ी लॉन्च हो जाएगी, क्योंकि अभी लॉन्च ग्रैंड विटारा से डायरेक्टली कंपीट करने वाली है। तो दिस ट्रेंड इज मेड बाय अस, सो टेक इट एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।